हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब। वर्ब में हम हिरंड पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम इसमें 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिरंड। लेकिन इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसे जस्ट पहले हमने आपको पार्टिसिपल बताया था कि पार्टिसिपल का यूज होता कैसे है, और एक एक करके हमने बताने का प्रयास किया था। अगर आप एक एक करके अगर आप देखे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिरंड। तो इसमें यानी इस टॉपिक में जिरंड और पार्टिसिपल दोनों का यूज़ किया गया है। तो हमने पार्टिसिपल को तो अलग अलग जो है निश्चित तौर पे बता दिए हैं। तो अब क्या कि इसके बहुत सारे कुछ रूल्स भी हैं। अब जब रूल्स हैं तो रूल्स को भी दिखाना ज़रूरी है, रूल्स को भी दिखाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लेना है, तो जिरंड लेना है, जिरंड लेना। अब मैटर होता है कि जिरंड होता क्या है, जिरंड होता क्या है। ये भी विफोर फॉर्म है, ये भी विफोर है, यानी वर्ब का चौथा रूप है। ये भी क्या है, वर्ब का चौथा रूप है। तो वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये जिरंड है। अगर जिरंड की तरफ ध्यान दें तो यह वास्तव में वर्ब और नाउन ये दोनों के लिए काम करता है, ये दोनों के लिए कार्य करता है। जब एक वर्ब और नाउन जो दोनों के लिए काम करे उसे जिरंड कहते हैं। वर्ब और नाउन जो दोनों के लिए काम करे उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि हमने पार्टिसिपल में बताया था कि जो वर्ब एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों का काम करे, एडजेक्टिव और वर्ब जो दोनों का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब और नाउन जो दोनों का काम करे उसे जिरंड कहते हैं। लेकिन आप देखें तो ये दोनों क्या है, वर्ब का चौथा रूप है। वर्ब का चौथा रूप का मतलब है ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा रहता है, ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, बिफोर फॉर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर इस्तेमाल का या यूज का अलग अलग तरीका है। आपको ऐसे दिमाग में बार बार आएगा कि वर्ब का चौथा रूप ही अगर है तो इसको पार्टिसिपल कैसे समझेंगे और इसको जिरंड कैसे समझेंगे, जबकि दोनों का रूप तो एक ही जैसा है। तो इसे आप समझ लीजिए कि हमने आपको पार्टिसिपल का एक एक तौर तरीका तो हमने बता दिया है कि नाउन से जस्ट पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और उसे जस्ट पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य आ जाता है। तो ये जो है पार्टिसिपल को पहचानने का तरीका है, जिसमें हमने आपको जो है अपना प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट यानी तीनों बताए थे। फिर आगे भी एक एक करके हम इसका पार्ट जो है दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए जिरंड, देख लीजिए कि आखिर ये जिरंड क्या होता है। अब जिरंड में देखिए, जिरंड का मूल रूप है आईएनजी, जिरंड का मूल रूप है आईएनजी। आपको डायरेक्ट अगर वर्ब के फॉर्म में जिरंड का अगर रूपरेखा दे दिया जाए तो आपके समझ में आएगा कि आखिर ये जिरंड क्या होता है, ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आएगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का घबराना नहीं है। जिरंड अगर है तो समझ लीजिए आईएनजी फॉर्म है, जिरंड अगर है तो वास्तव में क्या है, आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म का कहाँ कहाँ यूज होता है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वास्तव में वर्बल नाउन्स है। अब ये वर्बल नाउन्स लास्ट में क्यों कहा, वर्बल नाउन इसलिए कहा कि वर्ब और नाउन दोनों का काम करे, और उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आखिर जिरंड को कैसे पहचाना जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप इस जिरंड को देखते हैं तो आप यहाँ पर
कैसे समझेंगे कि ये जिरंड है? तो सबसे पहली बात है कि जिरंड का प्रयोग लगभग सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। सब्जेक्ट के रूप में अगर हुआ तो इसका मतलब है कि वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है। वर्ब का नाम इसलिए डाल रहे हैं, वर्ब का नाम इसलिए डाल रहे हैं कि यह वर्ब का बिफोर फॉर्म है, यह वर्ब का चौथा रूप है, तो ये अपना वर्ब है। और नाउन इसलिए है कि देख लीजिए इस सेंटेंस के स्टार्ट में वॉकिंग का यूज हुआ है। जब वो किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस का स्टार्टअप अगर बिफोर फॉर्म से हो तो समझ लीजिए यह क्या है, जिरंड है, क्योंकि यह नाउन का काम कर रहा है। नाउन मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन है, सब्जेक्ट है तो नाउन है, तो आपको ऐसे समझना है। तो ऐसे स्थिति में आप समझ लीजिए कि वॉकिंग क्या है, वॉकिंग वास्तव में बिफोर फॉर्म है जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। या यहाँ पर एक आप यहाँ पर एक और देख लें, स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इज क्या हुआ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, देख लीजिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब यहाँ पर यह हुआ है, ये जो स्मोकिंग वर्ड का जो यूज हुआ है, तो ये स्मोकिंग क्या है, तो बिफोर फॉर्म है। स्मोकिंग क्या है, तो बिफोर फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या है, ये जिरंड है। जिरंड इसलिए कहेंगे, ये बिल्कुल नाउन का काम कर रहा है। जिरंड इसलिए कहेंगे कि वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट में आता है तो इसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जिरंड यूज कहेंगे। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इस प्रकार के यानी सेंटेंस में अगर जिरंड को यानी फाइंडिंग करने के लिए कहा जाए तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में अगर बिफोर फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो आपको समझ जाना है कि यह जिरंड है। क्या समझना है, जिरंड है। तो इसमें वॉकिंग और स्मोकिंग ये दोनों क्या है, जिरंड है। वॉकिंग और स्मोकिंग दोनों क्या है, जिरंड है। वॉकिंग और स्मोकिंग ये दोनों क्या है, तो जिरंड है। तो आप यहां पर देखिए जिरंड वॉकिंग स्मोकिंग, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, वॉकिंग क्या है तो जिरंड है, वॉकिंग क्या है तो जिरंड है, और यहाँ पर इस क्या है, इस वास्तव में क्या है तो एच बी है, यानी कि ये वर्ब है। इस क्या है, इस वास्तव में वर्ब है। अब जितना चीज बताए थे उसी को एक एक करके हिंदी में दिखाया गया है। आप इसे हिंदी में अगर यानी एक एक को देख लेते हैं और एक एक को पढ़ लेते हैं तो ये जिरंड में किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए चलिए इसके साथ फिर हम आगे इसके यूज में चलते हैं, और यूज में आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं कि आखिर इसका यूज होता कैसे है। अब यहाँ पर बिल्कुल जिरंड यूज में देखिए कि फर्स्ट में क्या है, स्लीपिंग है। फर्स्ट में क्या है, स्लिपिंग है। अगर आपको फाइंडिंग करने के लिए दे दिया जाए कि स्लिपिंग क्या है तो आपको समझ लेना है कि स्लिपिंग क्या है, स्लिपिंग जिरंड है। स्लिपिंग क्या है तो जिरंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो जिरंड है क्योंकि ये नाउन का भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो वर्ब ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आई लाइक, मैं चाहता हूँ या मैं पसंद करता हूँ क्या, रीडिंग नोवेल, मतलब उपन्यास को पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। तो आप ऐसे भी देखें, ये अपना नोवेल से पहले इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें देखिए किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं है, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसे देखना है कि यहाँ नाउन से पहले ये रीडिंग का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर यानी इससे पहले आप देखेंगे लाइक का यूज है,
उससे पहले देखें लाइक का यूज है, तो लाइक क्या है, तो लाइक वास्तव में वर्ब है, लाइक क्या है तो वर्ब है, तो वर्ब के बाद फिर एक दूसरा वर्ब नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी क्या हुआ, तो जेरंड हुआ, क्योंकि ये यानी सब्जेक्ट के तौर पे तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे है, लेकिन ये भी जेरंड ही है। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, अब हम इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्या है ऑब्जेक्ट टू यानी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन को हम अलग देखते हैं, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, नाउन और केस इन अपोजिशन, ये सबको हम अलग अलग देख रहे हैं और अलग अलग हम इनकी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसे देखें ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, अब यहां पर कहते हैं आई लाइक टू प्ले, क्या है आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता, क्या है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के साथ यहां पर क्या है, तो टू का इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन के साथ यहां पर टू का इस्तेमाल हुआ है। अब फिर है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, फिर यहां पर क्या है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, तो यहां सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अब फिर यहां पर क्या है तो कंप्लीमेंट के रूप में हुआ है। तो कंप्लीमेंट के रूप में जब हम देखते हैं तो कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी वर्ब का पूरक होता है, क्या होता है किसी वर्ब का पूरक होता है। तो आप यहां पर कंप्लीमेंट टू अ वर्ब अब यहां पर कह सकते हैं, कहते हैं ही लाइक्स प्लेइंग, क्या होता है ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है, क्या है वह खेलना पसंद करता है, तो कंप्लीमेंट टू क्या है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। अब यहां पर वर्ब तो है ही लेकिन बिल्कुल कंप्लीमेंट के रूप में है, तो आई यहां पर क्या है ही लाइक्स प्लेइंग और खेलना पसंद करता है, और फर्स्ट में दिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का प्रयोग जब होता है तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन होता है, तो ही कहते हैं ही लाइक्स टू प्ले। तो इस टाइप का ये दोनों सेंटेंस जो है यानी ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन में इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए नाउन और केस इन अपोजिशन, अब ये अपना अपोजिशन है, तो इसमें कहते हैं कि ये अपना अपोजिशन में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, यानी अपोजिशन वर्ड में कैसे इस्तेमाल होता है। अब इसको देखें इट इज़ नो यूज़ डूइंग दैट, यहाँ पर देखिए डूइंग, यहाँ पर क्या है डूइंग है डूइंग दैट, और यहाँ पर जो है दैट का भी इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल अपोजिशन में है लेकिन ये क्या है नाउन यूज में है, यानी यह नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। फिर अगला देख लीजिए जिरंड यूज, जिरंड यूज में देखिए क्या सब दिखाया गया है, जिरंड के पहले अगर देखा जाए या इसके संबंध में थोड़ा सा विचार किया जाए तो यह वास्तव में यानी पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, ये पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता का होता है लेकिन कर्म का नहीं, ये कर्ता के रूप में किया जाता है लेकिन कर्म के रूप में नहीं किया जाता। अब देखिए आई इंसिस्ट, क्या है आई इंसिस्ट ऑन हिज डूइंग इट, तो अब यहां पर क्या है ऑन हिज डूइंग इट, तो अब यहां पर देखें कि अगर ये पॉसेसिव का इस्तेमाल हुआ है तो देखिए यहां पर क्या है हिज का है, तो हिज क्या है पॉसेसिव है, और
और हिज के बाद क्या हुआ है, तो डूइंग का इस्तेमाल हुआ है, इसका हुआ है डूइंग का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ये बिल्कुल अपने कर्ता की तरफ हुआ है, तो यह वास्तव में ये डूइंग जो है बिल्कुल ये नाउन यूज में है। ये जो कौन से यूज में है, तो नाउन यूज में है। अब यहाँ पर अब इसी को एक एक करके समझाया गया है, तो आप यहाँ पर देखें कि हिज, देखिए यहाँ पर हिज है, तो हिज की जगह हिम क्या हुआ, हिज की जगह हिम या ही का प्रयोग जो भी होगा तो वह गलत होगा। इसलिए होगा कि आप अगर देखते हैं कि अगर यहाँ पर ही का यूज करते तो ही के साथ डायरेक्ट डूइंग हो जाएगा, ही के साथ डायरेक्ट डूइंग हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बिफोर फॉर्म का यूज जो भी है उसे गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, तो गलत माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका यूज होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का ही यूज होता है। तो पोसेसिव का अगर यूज हो तो आगे का यूज क्या है, बिल्कुल वो नाउन यूज में चला जाता है, यानी उसे नाउन मानेंगे। अगर उससे पहले एक एडजेक्टिव है तो अगला क्या है, नाउन है। अब जैसे इस वाक्य को देख लें कि इस वाक्य का कौन सा तौर तरीका है। देखिए, I insist on him doing it। अब फिर देखिए, I insist on he doing it। अब ये दोनों को देख लीजिए, I insist on he doing it। यहाँ I insist on him doing it। तो अगर ये वास्तव में देखा जाए तो देख लीजिए, यहाँ भी क्या है, him है, और यहाँ भी क्या है, he है। क्या है, यहाँ एक में हिम है, दूसरे में ही है, यह वास्तव में दोनों गलत है। ये वास्तव में क्या है, दोनों, ये दोनों का यूज गलत है। देख लीजिए, ये दोनों का यूज गलत है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर ही होगा, और यहाँ भी देखिए वास्तव में क्या होगा, यहाँ भी वास्तव में देखिए ही होगा, क्योंकि हमने बताया था कि एक अगर सब्जेक्ट हुआ है उसके बाद अगर वर्ब हुआ है तो आप देखिए कि लास्ट में क्या ईट है, और इस ईट से पहले क्या है, तो बिफोर फॉर्म है। अगर ईट से पहले बिफोर फॉर्म है तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नाउन यूज में चला जाता है। नाउन यूज यहाँ पर इसलिए मानते हैं कि उससे पहले देखिए हीज का यूज हुआ है, और हीज क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हीज एडजेक्टिव है तो अगला क्या हो जाता है, तो नाउन हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि This is his pen, जो कि इससे पहले भी यानी इस संबंध में बताया गया है। यहाँ पर अगर कोई नाउन है, ये अगर यहाँ कोई नाउन है तो यहाँ पर his क्या है, एडजेक्टिव है, और इसे एडजेक्टिव अगर मानते हैं तो इसे क्या मानना पड़ेगा, नाउन मानना पड़ेगा। आखिर वो जिस स्थिति में जो भी वर्ड हो, जिस स्थिति में है और जो भी वर्ड हो, इसे हम नाउन ही मानेंगे, क्योंकि यह नाउन का ही तौर तरीका है। क्योंकि ऐसे स्थिति में यहाँ हिज क्या है, तो एडजेक्टिव है, हिज क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसे आप प्रोनाउन मानते हैं, अगर आप इसे प्रोनाउन मानने का कोशिश करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज हिज, क्या है, दिस पेन इज हिज, यानी यह कलम की है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ हिज क्या है, तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ हिज क्या है, तो प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। तो ऐसे स्थिति में आप इसे हिज मानेंगे, और हिज क्या है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर नाउन से पहले अगर ये हुआ है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है ये तब है जब आगे नाउन है। आखिर वर्ब भी अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो भी नाउन है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हिज डूइंग, हिज डूइंग, तो यहाँ पर डूइंग क्या है, वास्तव में नाउन है। हिज क्या है, वास्तव में नाउन है। तो इस टाइप से अगर आप एक एक करके देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, तो वास्तव में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से फिर देखते हैं, पार्टिसिपल आर वर्बल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल आर वर्बल एडजेक्टिव, इसको हम बिल्कुल बेसिक तौर तरीका से हमने इससे पहले भी बता दिया था, जो कि बिल्कुल अपना इंग्लिश वर्जन था, लेकिन उसमें एक एक करके हम हिंदी में डिफाइन किया था। अब इसका देख लीजिए, एक एक करके पार्ट भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा रूल भी दिखा देते हैं। अगर ये दोनों अगर एक साथ आप अगर पढ़ लेते हैं, तो प्यारे बच्चों वास्तव में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है।
तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पार्टिसिपल जो कि इससे पहले के क्लास में हमने एक एक करके दिखा दिया है कि अगर ये पार्टिसिपल होता क्या है, तो वास्तव में क्या है, तो वर्बल एडजेक्टिव। आप इसे कह सकते हैं कि अगर ये जिरंड की बात है तो आपको कुछ नहीं आता है तो सीधा बोल दीजिए यह वर्बल नाउन है। जिरंड के विषय में अगर कोई पूछे तो सीधा बोल दीजिए यह क्या है, तो वर्बल नाउन है। और अगर पार्टिसिपल के विषय में अगर कोई पूछे, आराम से कहिए वर्बल एडजेक्टिव है। क्या है? वर्बल एडजेक्टिव है। जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वह वर्बल एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे वो जिरंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसी को एक एक करके समझाया गया है कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या है। तो वास्तव में वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव। अब यहां पर देख लीजिए, आपने जिरंड भी देखा, आपने अपने जिरंड को भी बिल्कुल स्पष्ट तौर तरीका से आपने देख लिया, समझ भी लिया, और इसके बाद आप पार्टिसिपल को भी देख रहे हैं। अब ये पार्टिसिपल में क्या है, बिल्कुल आगे में देख लीजिए, क्या डॉग है, क्या है, डॉग है, और डॉग से पहले क्या है, रनिंग है, डॉग से पहले रनिंग है, और ये रनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है, रनिंग क्या है, तो एडजेक्टिव है, यानी पूरा प्रेशर ये रनिंग पर पड़ रहा है। और इससे पहले देख लीजिए आर्टिकल है, इससे पहले क्या है, तो आर्टिकल है, तो आई सॉ ए रनिंग डॉग, मैंने दौड़ते हुए कुत्ता को देखा, मैंने दौड़ते हुए कुत्ता को देखा। तो ऐसे स्थिति में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ये रनिंग क्या है, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है रनिंग, तो वास्तव में ये क्या है, तो पार्टिसिपल है। फिर आगे देखिए, ही इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा है या अपना बर्बाद हुआ बच्चा है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, स्पॉइल्ड है, तो स्पॉइल्ड भी देखिए, स्पॉइल्ड यानी स्पॉइल्ड के बाद क्या है, तो नाउन यूज है, स्पॉइल्ड के बाद क्या है, तो नाउन यूज है, नाउन यूज है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पॉइल्ड एडजेक्टिव है, स्पॉइल्ड क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो आप इसे कह सकते हैं ये क्या है, तो पार्टिसिपल है, ये क्या है, तो पार्टिसिपल है। अब इसके बाद देख लीजिए, यानी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल देख लीजिए। अब ये काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल आप जो पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले भी हमने बता दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीनों को एक एक करके समझा करके हमने एग्जाम्पल भी लेकिन इंग्लिश वर्जन में दिया है। आप इसे अब थोड़ा सा हिंदी में देख लें, अगर आप हिंदी में देख लेते हैं तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पार्टिसिपल क्या है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बिल्कुल अपना आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो उसको आप पार्टिसिपल ही समझिए। वास्तव में इसमें क्या होता है, एंड्स इन आईएनजी होता है, तो वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा दीजिए, तो ये जो कि क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, यानी अपना आईएनजी लगाया और इसका सीधा होता है एक्शन एज गोइंग ऑन, एक्शन एज गोइंग ऑन, कोई भी कार्य जो है जारी होने का भाव व्यक्त करता है, वह क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब इसके बाद देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तो आपको पहले भी बता दिया, पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें होता है कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी काम है जो पूरा हो गया है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसमें एक कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में कोई भी काम पूरा होने का भाव व्यक्त करता है, तो ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये आपने तीनों पार्टिसिपल इससे पहले भी हमने बताया, आप एक एक करके देख लीजिए कि ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट पार्टिसिपल, आखिर ये होता क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में वास्तव में आप सीधा जान लीजिए कि इसके अंत में आईएनजी रहेगा, सीधा आप ट्रिक पे समझ लीजिए, ट्रिक पे एक एक करके समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जब वर्ब के लास्ट में आईएनजी हो तो समझ लीजिए क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एक्शन एज गोइंग कोई भी काम जारी होने का भाव व्यक्त करता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहां पर देखिए एक नोट में आप निश्चित तौर पे देखेंगे कहा जिरंड और इसके बाद है प्लस नाउन। अब ये दोनों क्या है, जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो इसीलिए कहा यह नाउन का काम करता है
जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है आपको सीधे लहजे में आपको हमने बताया कि अगर जिरंड है तो आप उसको कहिए वर्बल नाउन, जिरंड अगर है तो आप सीधा कहिए वर्बल नाउन, अगर पार्टिसिपल है तो सीधा कहिए वर्बल एडजेक्टिव, मतलब वर्ब तो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, और ये जिरंड है ये वर्बल नाउन है तो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप देख लीजिए ये दोनों मान्तर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जिरंड कैसे होता है, यानी कि दोनों में यहाँ पर जो यानी कि दिखा रहे हैं दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्म तो एक ही जैसा होता है, जिरंड का भी फॉर्म जो कि वो वही है और पार्टिसिपल का भी फॉर्म वही है। जब जो है जब दो मैटर जब दो वर्ड सैनोनिमस हो, दो वर्ड अगर सैनोनिमस हो तो दोनों पर विचार करना हमें पड़ता है कि आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों अंतर स्पष्ट हम करते हैं। अब देखिए दोनों स्पष्ट कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है राइजिंग, तो क्या है राइजिंग इन द मॉर्निंग, सवेरे जगना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है सवेरे जगना। तो यहाँ पर देखिए कि राइजिंग क्या है, राइजिंग इंडिकेट्स हियर ओनली नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, राइजिंग क्या हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे स्थिति में राइजिंग क्या है तो जिरंड है, राइजिंग क्या है तो जिरंड है जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में इसलिए कि यहाँ दिया है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हालांकि नाउन है लेकिन डायरेक्ट नाउन का यूज रेजिंग के बाद नहीं हुआ है, दिया इन द मॉर्निंग तो सवेरे में जगना, तो यहाँ जगना ओपन हो जाता है, जगना ओपन हो जाता है और सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, इसलिए ये क्या है जिरंड यूज कहते हैं इसको। तो इसको कौन सा यूज कहते हैं, जिरंड यूज कहते हैं जबकि आईएनजी फॉर्म ही है। अब ये दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमने ऐसा बताया था कि एडजेक्टिव हम आखिर मानते कैसे हैं, एडजेक्टिव मानते कैसे हैं, तो सबसे पहले एडजेक्टिव जब भी होगा तो जस्ट आगे नाउन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए राइजिंग सन, यानी सन क्या है, देखिए डायरेक्ट यूज है सन क्या है, तो सन यहाँ पर नाउन है, सन क्या है नाउन है, तो नाउन से पहले क्या होता है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और उससे भी पहले आप ध्यान रखिए कि उससे पहले क्या है तो आर्टिकल द है, उससे पहले भी आर्टिकल द है, अगर आर्टिकल द है तो समझ लीजिए एडजेक्टिव है, आर्टिकल द है एन है जो भी है तो इसका मतलब है, क्योंकि आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, आप यहाँ पर ये समझ लें कि राइजिंग भी एडजेक्टिव है क्योंकि इससे इसके आगे क्या है तो नाउन है, इसके आगे क्या है तो नाउन है, तो इसीलिए आप इसे पार्टिसिपल कहिए, आप इसे क्या कहिए पार्टिसिपल कहिए। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज इज ब्यूटिफुल, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनोहर लगता है, टू लुक एट, देखने में बड़ा सुंदर या मनोहर लगता है। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं यह जो राइजिंग है ये क्या है पार्टिसिपल है, और यहाँ पर जो ये राइजिंग है ये क्या है जिरंड है। बिल्कुल ये क्लियर है और आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर ये जिरंड क्या है और ये पार्टिसिपल क्या है। अगर इस प्रकार से आप एक एक करके देख लेते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको 100% सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। कम से कम आप प्रत्येक लाइव को शुरू से अंत तक देखें, और अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, अब अगला क्या है तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो इसमें सीधा है अपना कंप्लीटेड एक्शन होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है और इसमें कंप्लीटेड एक्शन होता है, कोई भी काम पूरा होने का भाव व्यक्त करता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर देखिए डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड इंडिकेट्स हियर ओनली भीतरी फॉर्म, यह वास्तव में वर्ब का तीसरा रूप है और कहते हैं ही गैव अप द अटेम्प्ट, यानी निराश हो गया, ही गैव अप द अटेम्प्ट और उसने अपना सारा कोशिश छोड़ दिया, गैव अप, गैव अप यानी होता है गिव अप होता है, यानी गिव अप मींस होता है त्यागना और गैव अप मींस होता है यानी त्याग दिया, और अटेम्प्ट मींस क्या होता है कोशिश, अटेम्प्ट मींस कोशिश, और डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर, निराश हुआ, निराश हुआ और अपना सारा प्रयास छोड़ दिया,
निराश हुआ और सारा प्रयास छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हमने डिसअपॉइंटेड का यूज किया है, द डिसअपॉइंटेड इंडिकेट्स हियर ओनली पास्ट पार्टिसिपल। क्या है पास्ट पार्टिसिपल? तो पास्ट पार्टिसिपल को पहचानने का एक तरीका है, उसका स्टार्ट में ही क्या होगा या जहां भी रहेगा तो ये V3 में डायरेक्ट यूज हो जाएगा। V3 में जब हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो फिर इसको क्या कहते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल, तो अब यहां पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में अंतर के अलावा एक फर्क और भी है। पार्टिसिपल का जो स्वरूप होता है सक्रिय जो ing फॉर्म होता है बिल्कुल सक्रिय यानी एक्टिव होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह क्या होता है, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी होता है अपना ग्रोइंग बॉडी और इसके बाद हम कहते हैं अपना ग्रोन अप बॉय, या अपना कहते हैं कि अपना ग्रोइंग अप बॉय और इसके बाद होता है ग्रोन अप। अब ऐसे स्थिति में आपको एक चीज स्पष्ट होगा, जब वो पार्टिसिपल है तो आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है रनिंग, वो बिल्कुल चल रहा है। अगर आप पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है परफेक्ट, यानी जो भी काम है वह पूरा हो गया है। तो ऐसे स्थिति में ही तो V3 का यूज होता है, और जब V3 का यूज होता है तो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। क्या होता है, जैसे ही इज गोइंग वह जा रहा है, ही हैज गोन वह जा चुका है, मतलब जाने का काम उसका खत्म है। तो ऐसे स्थिति में आप सीधा ऐसे समझ लीजिए, अगर V3 का है तो बिल्कुल वह परफेक्ट हो जाता है, अगर V4 का है वास्तव में वह जारी दिखा देता है। तो यही है एक्टिव और पैसिव। फिर इसी को देख लीजिए, ही इज ए ग्रोन अप बॉय, लड़का सयाना हो गया है। तो वास्तव में ये क्या है, V3 है। तो V3 क्या हुआ, तो बिल्कुल पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब है बिल्कुल ये निष्क्रिय है कि वह सयाना हो गया है, अब सयाना होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल वह हो गया है, मतलब हो नहीं रहा है, वो हो गया है। अब फिर दूसरा देखिए, यानी अपना ग्रोइंग बॉडी, मतलब लड़का सयाना हो रहा है, बिल्कुल वह एक्टिव फॉर्म में है, हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप यानी समझ लीजिए कि यहाँ पर है यानी अपना ग्रोइंग बॉडी और दूसरा है ग्रोन अप बॉय, तो एक है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, तो V3 यूज है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, तो V4 यूज है। तो इसलिए ये जो है एक्टिव है और ये क्या है, पैसिव। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लें तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है आखिर वो क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए कि यह बिल्कुल ये क्या होता है, एक्टिव में आप देखिए क्या होता है, हैविंग होता है, क्या होता है, बिल्कुल हैविंग होता है, और हैविंग के बाद क्या होता है, भित्री होता है, हैविंग के बाद क्या होता है, तो भित्री होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये अपना पैसिव यूज है तो हैविंग प्लस बीन प्लस भित्री से बनता है, और आप यहाँ भी कह सकते हैं भित्री, यहाँ भी कह सकते हैं भित्री। तो यहाँ पर क्या होता है, हैविंग प्लस भित्री होता है, क्या होता है, हैविंग प्लस भित्री होता है। इसका यानी परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने का या पढ़ने का एक तौर तरीका है, जब भी इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पे स्पष्ट हो जाएगा कि इसका यूज क्या होता है, यानी हैविंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3। तो हैविंग बीन प्लस V3 अगर है तो आप इसे यानी समझ लें कि ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का ये पैसिव फॉर्म है, और हैविंग प्लस V3 अगर है तो आप जो समझ लें तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए हैविंग फेल्ड एट द एग्जामिनेशन, क्या है, ट्वाइस, दोबारा एग्जामिनेशन में फेल होने पर ही गैव अप द अटेम्प्ट, वो अपना प्रयास छोड़ दिया, वो अपना प्रयास त्याग दिया। तो इसे आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसका यूज होता है हैविंग, क्या हुआ, अगर ये हैविंग है तो अगला क्या है, तो भित्री है, हैविंग है तो अगला क्या है, भित्री है। तो इस टाइप से आप जो समझ गए कि ये जो कौन सा पार्टिसिपल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, परफेक्ट, चूंकि इसमें होता है
कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम, क्या होता है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम, जो इसके पहले के यानी टॉपिक में हमने पार्टिसिपल को एक एक करके बताया है, तो आप उसे एक एक करके देख लेंगे। अगर उसे देख लेते हैं, पहले के पार्ट को देख लेते हैं, तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको फिर हमको दिखाना था, कुछ हिंदी वर्जन में दिखाना था, इसलिए हमने हिंदी हिंदी वर्ड का रूल के साथ एक एक करके इस्तेमाल किया है। अगर आप एक एक करके देख लेते हैं तो फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर इसका जो है अपना पैसिव फॉर्म में देख लेते हैं। तो पैसिव फॉर्म देख लीजिए कि यहाँ पर यूज हुआ है कि हैविंग बीन, अगर हैविंग के बाद अगर बीन है तो समझ लीजिए कि ये क्या है, तो पैसिव फॉर्म है। क्या है? पैसिव फॉर्म है, क्योंकि हैव के बाद बीन आता ही है, तो यहाँ हैविंग बीन आया। इसके बाद है चीटेड, और चीटेड क्या है तो भित्री है। बीन के बाद हमेशा जो है क्या होता है, तो भित्री का यूज होता है। तो हैविंग बीन चीटेड, धोखे दिए जाने पर, हैविंग बीन चीटेड, धोखे दिए जाने पर, इसके द्वारा बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के द्वारा धोखे दिए जाने पर, ही गैव अप द अटेम्प्ट, वह अपना सारा प्रयास छोड़ दिया, वह अपना सारा प्रयास छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब, अगर ये पहला पार्ट, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में पहला पार्ट अगर ये भीतरी है, तो अगला क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा? पहला अगर ये अपना परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो दूसरा क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों का बनावट है, और दोनों के बनावट को अगर आप ध्यान में रखते हैं और एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पर गैप अप का यूज किया था, और गैप अप क्या है? तो सिंपल पास्ट है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हैविंग गॉन टू क्या है, यानी हैविंग गॉन टू पटना, हैविंग गॉन टू पटना यू विजिटेड, क्या होता है? यू विजिटेड द जो, क्या हुआ? आपके पटना जाने पर क्या हुआ? हैविंग गॉन टू पटना या पटना जाने पर, तो देखिए हैविंग के बाद क्या है? भित्री है। हैविंग के बाद क्या है? तो भित्री है। तो हैविंग गॉन, तो आपको ये बनावट देखना पड़ेगा कि जब हैविंग का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में हो, तो अगला क्या होगा? तो भित्री होगा। ये सब सारी बनावट अगर आपके ध्यान में रहता है, अगर आपको एक एक जानकारी इसका हो जाता है, तो ये इंटरमीडिएट क्या आप आगे के एग्जाम में भी, यानी कि कंपटीशन में भी, आप हद तक क्वेश्चन इसका बना सकते हैं, क्योंकि स्पेशल एक एक करके दिखा रहे हैं। अगर आप इसे समझने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का कोशिश करते हैं, वीडियो लेक्चर को देखने का कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम एक बार फिर देख लेते हैं। हैविंग गॉन टू पटना, पटना जाने पर, यू विजिटेड द जो, वह आप पटना जाने पर, यू विजिटेड द जो, आपने क्या किया? जू का भ्रमण किया। आपने जू देखा। या इसको दूसरा और भी कर सकते हैं, देखिए हैविंग, क्या हुआ? हैविंग गॉन टू दिल्ली, ही विजिटेड लोटस टेम्पल, क्या होता है? ही विजिटेड लोटस टेम्पल। तो देखिए हैविंग गॉन है, तो हैविंग के बाद क्या है? भीतरी है। फिर क्या है? टू, क्या होता है? टू, तो यहाँ पर क्या है? टू, तो टू दिल्ली, क्या हुआ? हैविंग गॉन टू दिल्ली, यानी दिल्ली जाने पर, तो उसने क्या देखा? ही विजिटेड लोटस टेम्पल, किसको देखा? तो लोटस टेम्पल को देखा। तो इस प्रकार से ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल को अगर आप एक एक करके देख लेते हैं या समझ लेते हैं, तो वास्तव में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए कि इसको हमने डबल बताया है, एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताया, फिर इसको हिंदी में भी एक एक करके दिखाया है। अगर आप एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत खास करके इसमें नहीं होने वाला है। और आगे का चैप्टर हम वर्ब में अपना एक्सिलरी करेंगे, और जो आप
जो आपको ये अपना 12th क्लास में भी अपना ढेर सारा क्वेश्चन उसे राइज होता है, उसको हम दिखाने का एक एक करके प्रयास करेंगे। अगर आप इसे एक एक करके देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।